हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग का। ये साथियों हमारा AKTU जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है उनका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट कोड KOE 033 एंड KOE 043 है। साथियों, क्योंकि इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है, और इसका आपका कोड आया है ये आपके थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर में भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं साथियों यूनिट 3 की पार्ट 2 के बारे में। जी हाँ साथियों, तो दो पार्ट में पूरा यूनिट कवर कर दे रहे हैं। बिल्कुल आपको बेसिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सलूशन आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन आपसे छूट पाएगा। पिच जो पार्ट 1 था उसमें हमने बात किया था सेमीकंडक्टर की, पीएन जंक्शन की, और उसके जो बायसिंग है वो हमने बात कर चुका है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर सभी मैंने बात कर लिया। अब हम इस यूनिट में हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर रेडिएशन की, सोलर एनर्जी की और सोलर सेल की। जी हाँ साथियों, इन तीनों के बारे में हम बात करने वाले हैं वन बाई वन। तो साथियों पूरे वीडियो तक बने रहिएगा। साथियों यदि आपको कोई फीडबैक है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथियों कोशिश करता हूँ साथियों PDF प्रोवाइड करवा दिया जाए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सभी वीडियो के PDF प्रोवाइड करवाने मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस PPT के माध्यम से मैं इसकी कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए जैसे पूरा कंप्लीट होता है। सोचता हूँ साथियों कि पूरा आल्फा यूनिट कंप्लीट हो जाए ताकि आपका एक ही PDF में सारे यूनिट्स कवर कर दूँ, ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बार बार अलग अलग PDF डाउनलोड करना आपके लिए भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है साथियों PDF को प्रोवाइड करवाने में। साथियों यहाँ पे हम बात करते हैं, यदि आपके पास आप सभी वीडियो नहीं जानते तो हमारे चैनल पर चले जाइए साथियों, आपको लिस्ट मिल जाएंगे यूनिक सीरीज के नाम से, तो आप सभी वीडियो देख सकते हैं जो AKTU के लिए आपके लिए बनाया गया है। यही हम बात करते हैं सोलर रेडिएशन की। पहले हम बात करते हैं सोलर रेडिएशन है क्या। तो अब सोलर तो जानते हैं ना साथियों, सोलर हमारा क्या है, सूर्य, एक समझ लीजिए सोलर जब हम बात करें सूर्य की बात करते हैं, और रेडिएशन जो उसके लिए जा रही है ना, एक मोटे तौर पर अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं हो तो यही बताएगा कि जो सूर्य से रोशनियाँ आती हैं जो रेडिएशन होता है उसको बोलते हैं सोलर रेडिएशन। लेकिन आप क्या हैं, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जो सोलर रेडिएशन क्या होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। ठीक है, रेडिएशन में कौन सी टाइप होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं जो सूर्य द्वारा इमिटेड होती हैं। ठीक है, और ये जो रेडिएशन हैं इनको हम किसी यूजफुल फॉर्म में या फिर एनर्जी में, इसी यूजफुल एनर्जी में हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम हीट में और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम अलग अलग टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं। एक्चुअली साथियों आप देखते होंगे कि हम अगर डायरेक्ट क्या करते हैं, हम डायरेक्ट धूप में सन के लाइट में ही हम अगर वाटर रखते हैं तो क्या होता है, बॉयल हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है, और उस हीट को हम कहीं और चीज़ में यूज कर सकते हैं। या फिर आज ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं कि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा देते हैं, तो वो क्या है, इसको हम अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसलिए साथियों सोलर रेडिएशन आज के टाइम पे बहुत ही एक बर्निंग पॉइंट है, या फिर कहें बहुत ही तेजी से बातें की जा रही है इसकी, सोलर रेडिएशन की या फिर सोलर एनर्जी की। ठीक है, अभी रेडिएशन बात करें, सोलर एनर्जी क्या होती है उसे हम आगे बात करते हैं। ठीक है, द सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ सर्फेस वेरी विथ द लोकेशन, मतलब कि आप सोच रहे हो कि जितना लोकेशन यहाँ पे, जितना सोलर एनर्जी हम यहाँ पे इंडिया में पा रहे हैं उतना ही हम और अदर कंट्रीज पाएंगे, या फिर इंडिया के अलग अलग पार्ट में सोलर का जो रेडिएशन है वो वेरी करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सोलर की जो रेज है, सोलर की जो लाइट है, वो हर जगह सनलाइट से वो हर जगह एक अमाउंट में नहीं पड़ती हैं। ठीक है, हाउएवर द रेडिएशन रिसीव आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिफरेंट देन व्हाट वी रिसीव्ड ऑन द अर्थ। ठीक है, अब ये भी ध्यान दीजिएगा साथियों कि जो एक अर्थ एटमॉस्फेयर है अर्थ पे, हम ये भी नहीं देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग सोलर रेडिएशन हम रिसीव करते हैं अलग अलग अमाउंट में, क्योंकि अब क्या होता है कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ पे हम सोलर रेडिएशन ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि कोई वहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। ठीक है, कोई वहाँ पे पॉल्यूटेंट नहीं है, लेकिन जब हम अर्थ की बात करते हैं तो वहाँ पे अर्थ सर्फेस हमारे क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में हमारे क्या है अलग अलग पार्टिकुलर हैं, अलग अलग क्लाउड्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इसके लिए जो हमारा सोलर रेडिएशन आता है वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ स्कैटर्ड हो जाते हैं, कुछ की जो इंटेंसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, अटेन्यूएशन जिसको बोलते हैं उसकी मतलब इंटेंसिटी को कमजोर होना या फिर कम हो जाना या फिर बैलेंस उसका कम हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के कारण, एटमॉस्फेयर के कारण कुछ रेडिएशन का हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ स्कैटर्ड हो जाते हैं, मतलब कि एक जगह से नहीं आ पाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में ही, कुछ की जो इंटेंसिटी होती है जो वेवलेंथ वो कम हो जाती है, जिसके कारण हम क्या कहते हैं कि अर्थ सरफेस पर जो हमारा रेडिएशन आता है वो और अलग जगहों से, ठीक है, वो कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आता है साथियों सोलर इरिडेंस, ये ध्यान दीजिए क्या आता है, सोलर इरिडेंस ये क्या साथियों, इज द पावर पर यूनिट एरिया, हमको एक यूनिट एरिया में कितना हमको सोलर रेडिएशन या कितना सोलर पावर मिल रहा है उसको हम बोलते हैं सोलर इरिडेंस। ठीक, इरेडियंस, ठीक है, सोलर इरेडियंस, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये टर्म पूछा जा सकता है, सोलर इरेडियंस क्या होता है, रिसीव्ड फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द वेवलेंथ रेंज। ठीक, वेवलेंथ रेंज के फॉर्म में
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमको सूर्य से मिल रहा है, जो इसको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर हम इसको पाते हैं, उसको हम बोलते हैं सोलर इरिडेंस पे, ठीक है। इसका जो मेजरमेंट है उसको हम मेजर करते हैं वाट पर स्क्वायर मीटर में, कितना वाट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये ध्यान दीजिए क्योंकि यूनिट पूछी जा सकती है आपको, दो मार्क्स में डायरेक्ट पूछा जा सकता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ सोलर रेडिएशन, ठीक है। इसको आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, इसको हम दो ग्रुप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन, दूसरा है टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन वो है जो हम सोलर रेडिएशन को मेजर करते हैं जब कोई भी एटमॉस्फेयर ना हो, अगर हम तब जो सोलर रेडिएशन हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मतलब कि वहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन या फिर कोई वहाँ पे कोई बैरियर नहीं अवेलेबल होगा जिस कारण हमारा रेडिएशन कम हो पाए, ठीक है, एब्जॉर्ब हो पाए। तो बिना एटमॉस्फेयर का, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर में हम जितना रेडिएशन हमको मिलता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, सोलर रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन में क्या होता है, देखिए द रेडिएशन वी रिसीव ऑन द अर्थ, क्योंकि यहाँ हमारा क्या है एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो हम क्या बात करेंगे, हम यहाँ बात करते हैं टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन, ठीक है। एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन की, और हम जब अर्थ भी बात करते हैं एटमॉस्फेयर है तो यहाँ हम बात करने लगते हैं टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन की, ठीक है, जो हम रिसीव करते हैं ऑन द अर्थ, ठीक है। सरफेस इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड इज नियरली 70% ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसका हम 70% हम अर्थ पे हमको मिलता है, और 30% कहा जाता है वो हमारा जो वैसे बताया अब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमको थोड़ा सा हमारा 30% सोलर रेडिएशन रिड्यूस हो जाता है। सोलर रेडिएशन पासेस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सब्जेक्टेड टू स्कैटरिंग, सारी चीजें वही हैं, ठीक है। कुछ स्कैटर्ड हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर लेता है पार्ट ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं स्पेस में, वो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से हमको सिर्फ 70% ही हमको मिलता है। तभी मैं बताऊंगा कि कहाँ पे कितना ऑब्जर्व होता है, कितना स्कैटर्ड होता है, कितना रिफ्लेक्ट होता है, सभी मैं बताऊंगा आगे चलते हुए वीडियो में, आपको सबको समझ आता चला जाएगा। अभी मैंने आप ये बताया सिर्फ कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्या होता है और टेरेस्ट्रियल क्या होता है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब कि यहाँ पे नो एटमॉस्फेयर, ठीक है, नो एटमॉस्फेयर। और टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन मतलब कि हमने अर्थ पे या फिर इन द प्रेजेंट ऑफ एटमॉस्फेयर पे हम कितना सोलर रेडिएशन रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा होता है टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन। आगे हम बात करते हैं कि हम सोलर रेडिएशन में टर्म कौन कौन से यूज करते हैं, थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए। एक होता है बीम रेडिएशन, डिफ्यूज रेडिएशन, टोटल रेडिएशन और एयर मास, ये चार टर्म्स आते हैं, कभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सोलर रेडिएशन रिसीव ऑन द अर्थ सरफेस विदाउट, यहाँ सच सरफेस है, ठीक है, सरफेस विदाउट चेंज इन डायरेक्शन इज नोन एज बीम आर डायरेक्ट रेडिएशन। साथियों क्या होता है कि जैसे मैं बताया कि एटमॉस्फियर है, ठीक है, एटमॉस्फियर है, देखिए ये डायरेक्ट है, ठीक है, ये क्या रहा है डायरेक्ट आ रहा है, कहीं पर डिफ्यूज नहीं हुआ, यहाँ जाता बादल से बादल टकरा के आता तो डिफ्यूज है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट आ रही है, ठीक है, डायरेक्ट जो बीम रेडिएशन आ रही है इसको हम बोलते हैं बीम रेडिएशन, ठीक है। जो अर्थ सर्फेस से बिना किसी डायरेक्शन के चेंज हुए डायरेक्ट हमको मिल रही है उसको बोलते हैं डायरेक्ट रेडिएशन, और डायरेक्ट रेडिएशन या फिर बीम रेडिएशन, इसको हम IB से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिफ्यूज रेडिएशन, द रेडिएशन रिसीव्ड ऑन द टेरेस्ट्रियल सर्फेस स्कैटर्ड बाई एरोसोल और डस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द स्काई डोम इज नोन एज डिफ्यूज रेडिएशन। अब क्या हुआ साथियों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे या फिर हो सकता है क्लाउड हो सकता है, यहाँ पे एरोसोल मतलब कि कुछ एयर के पार्टिकल हैं, कुछ डस्ट के पार्टिकल, उनसे क्या होगा कि वहाँ से भी सनलाइट क्या हो जाएगा, वहाँ से जब स्कैटर्ड होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा डिफ्यूज्ड, उसको बोलते हैं डिफ्यूज रेडिएशन, ठीक है। वो तो आएगा तो अर्थ पे वो भी, लेकिन वो डिफ्यूज रेडिएशन होगा, तो उसको हम डिनोट करते हैं ID से, ठीक है। अब आ जाते हैं टोटल रेडिएशन, तो आप समझ पाते होंगे टोटल रेडिएशन क्या होता है, तो सम ऑफ द बीम एंड डिफ्यूज ये दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब कि जो हमारा IT होगा, ठीक है, IT जो है वो है हमारा बीम रेडिएशन या फिर डायरेक्ट रेडिएशन प्लस डिफ्यूज रेडिएशन, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये चीज हमारा क्या है टोटल रेडिएशन। इंटरसेप्ट एट द अर्थ सर्फेस पर यूनिट एरिया लोकेशन, देखिए यहाँ पर एक बात किया गया कि एक यूनिट एरिया की बात की जाती है, ठीक है, जब हम इसको मेजरमेंट करेंगे तो इसको भी हमने यूनिट एरिया में बात करूंगे, यूनिट एरिया में, ताकि हमको एक यूनिट अमाउंट मिल पाए, ठीक है। इज नोन एज टोटल रेडिएशन, इट इज ऑल्सो नोन एज इंसोलेशन, ठीक है, आपका टर्म और आ गया, जो टोटल रेडिएशन है उसी को हम बोलते हैं इंसोलेशन, ठीक है, टोटल रेडिएशन को। द रेडिएशन रिसीव बाई द कलेक्टर सर्फेस आर ऑलवेज एज ऑलवेज ग्लोबल रेडिएशन, क्योंकि जो हम कलेक्टर में जो हम लगाते हैं सोलर सिस्टम लगाते हैं वहाँ पे जो कलेक्टर्स होते हैं हमारे, उसमें जो रेडिएशन मिलता है उसको हम सर्फेस आर ऑलवेज जो हम उसको बोलते हैं वो हमारा ग्लोबल रेडिएशन होता है, ठीक है। अब एक टर्म आता है एयर मास का,
इट इज द रेशियो ऑफ द पाथ लेंथ ऑफ बीम, रेशियो ऑफ द पाथ लेंथ ऑफ बीम रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, कितना हमारा रेशियो पाथ लेंथ, बीम का पाथ लेंथ क्या है, टू द लेंथ ऑफ पाथ व्हेन सन एट ओवर द हेड और जेनिथ। जेनिथ मतलब साथियों जैसे हमारा दोपहर टाइम होता है ना, अधिकतर जब गर्मी में हमारा क्या होता है, सन डायरेक्ट हमारे हेड के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं जेनिथ, ये पॉइंट। ठीक है, तो हमारा जो बीम का लेंथ है, ठीक है, पाथ लेंथ ऑफ बीम, ठीक है, पाथ लेंथ ऑफ बीम साथियों ये कब है, इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, यहाँ बात कर देता है हम, यहाँ लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय, ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ व्हेन सन इज एट ओवर हेड। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है, एट मान लीजिए जेनिथ, मतलब जब डायरेक्ट हमारे जेनिथ मतलब साथ ही वो है कि जब हमारा सबसे कम डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, सूर्य जब हमारा अर्थ के सबसे कम डिस्टेंस पर, हमारा मान लीजिए जेनिथ है। ठीक है, इसका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं एयर मास, इसको हम डिनोट करते हैं एम ए से। ठीक है साथियों, हमने बात कर ली बीम रेडिएशन क्या होता है, डिफ्यूज रेडिएशन क्या होता है, टोटल रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन बोलते हैं। ये हमारा बीम रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन का ऐड होता है, सम होता है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, एक फिगर में समझ जाते हैं। देखिए ये हमारा सन सन, ठीक है, सन है। अब हम यहाँ पे हराते हैं अर्थ पे, अर्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जल हैं, वाटर है, एयर है, एटमॉस्फेयर में कई सारे चीज़ गैसें हैं। अब क्या होता है, ठीक है, अब कुछ सन कहीं भी बिना टकराए हुए हमारे पास डायरेक्ट पहुँच जाए, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट बीम या फिर बीम रेडिएशन या डायरेक्ट रेडिएशन। ठीक है, अब आ ही रही है, तो अब क्या हुआ कि कुछ यहाँ पे क्लाउड हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एब्जॉर्ब तो नहीं करेंगी, लेकिन उनके कुछ पार्टिकल्स हैं जो डायरेक्ट आ रहे रेडिएशन को क्या करेंगे, वो स्कैटर्ड कर देंगे या फिर डिफ्यूज कर देंगे, उनके एंगल को चेंज कर देंगे, कुछ तो करेंगे ना, इसके एंगल को चेंज कर देंगे। डायरेक्ट आ रहा है, डिफ्यूज होकर के इसका एंगल चेंज हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ रहा, तो हमारा होता है डिफ्यूज रेडिएशन। ठीक है, मान लीजिए कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हुई, लेकिन डायरेक्ट हमारे सोलर सिस्टम पर नहीं आई, सोलर कलेक्टर पर, वो कहीं ग्राउंड में रिफ्लेक्ट होकर के तब आ रही है, तो क्या हो गया, ग्राउंड रिफ्लेक्टेड, या फिर इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड बीम। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। अब यहाँ पे सभी चीज़ें तो नहीं आती हैं, ठीक, सभी चीज़ नहीं आ पा रही हैं, कुछ यहाँ पे कुछ गैसेस हैं जहाँ पूरी चीज़ें एब्जॉर्ब हो पा रही हैं या फिर तुरंत स्कैटर्ड होकर के तुरंत एटमॉस्फेयर में चली जा रही हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर स्कैटरिंग, कहीं पर एब्जॉर्ब हो रही, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं जो हम अर्थ पे हमारा सोलर एनर्जी रीड होता है उसको वो सिर्फ 70% होता है, क्योंकि जो सरफेस ऑफ अर्थ जो यहाँ पे 51% ऑफ इंसोलेशन, जो टोटल बताया ना, तो टोटल रेडिएशन था उसका 51% हमारा अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर वाटर वेपर एंड डस्ट अकाउंट फॉर 60% ऑफ द एनर्जी, वाटर वेपर एंड डस्ट मतलब कि जो हमारे डिफ्यूज हैं, जो डिफ्यूज है हमारे कितने हैं 60%। ठीक है, और जो हमारे 3% है वो क्लाउड हमारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, 3% तक हमारे जो क्लाउड है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ 70% ही रीच कर पाता, सॉरी 70% हमारे पास रीच करता है, जिसमें से हमारा 51% टोटल इंसुलेशन होता है, 60% हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर वेपर के द्वारा, 3% हमारा क्लाउड क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बात करते हैं सोलर रेडिएशन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, कैसे हम सोलर रेडिएशन को मेजर करते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपके सिलेबस में है, उसको बहुत बिल्कुल सिंपल सा है साथियों, कुछ नहीं आपको याद करना, थोड़ा डायग्राम याद करेंगे, उसको वर्किंग मेथड में बता दूंगा, आप इनको आसानी से लिख के चले आएंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो भी इसी चैनल पर आने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से पहले सिलेबस कवर कराने के लिए, एटलीस्ट 3 तो हो ही चुके हैं, 2 और बाकी हैं, उनको भी कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द। ठीक है, अब यहाँ पहला आता हमारा पायरानोमीटर। ठीक है, पायरानोमीटर अब ये भी एक डिवाइस है। ठीक है, जो हमारे बीम रेडिएशन और डिफ्यूज रेडिएशन दोनों की मेजर करती है। ठीक, कौन सा, यू टू बोथ बीम रेडिएशन एंड डिफ्यूज रेडिएशन, इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं इट इज यू टू मेजर टोटल हेमिस्फेरिकल रेडिएशन, बीम प्लस डिफ्यूज ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो जो डायरेक्ट आ रही है, जो डिफ्यूज होकर आ रही है, सभी को हम यहाँ पे मेजर कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार का आपको दिखता है। ठीक है, बड़ा अच्छा है इसका, इस ठीक है, देखने में कैसे लग रहा है, पकड़ उड़ जाए हम लोग। ठीक है, जैसे हमारे वो आते हैं एलियंस आते हैं, बिल्कुल वही वाला ये चीज़ बना हुआ है, तो बिल्कुल ऐसे ही देखता है, लेकिन इसका जो
वर्किंग मैकेनिज्म इसका जो डायग्राम बात करते हैं वो ये हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बात करते हैं साथियों, देखिए यहाँ पे एक बेस है हमारा। ठीक है, ये हमारा पूरा बेस तैयार हुआ है। बेस में क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले एक प्रोटेक्टिव लेंस लगा हुआ है, ये एक प्रोटेक्टिव लेंस लगा हुआ है। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो सनलाइट है या सोलर रेडिएशन वो हमारे इस पर इम्पैक्ट करेंगे, इस पर इंसिडेंट होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी किस लिए साथियों, क्योंकि इस पे जो भी लाइट्स जो भी सोलर इंसिडेंट होंगी वो डायरेक्ट इस पे आकर के इंसिडेंट होंगी। ठीक है, अब टोटल ब्लैक बॉडी है मतलब कि हमको सोलर रेडिएशन को पूरा रिसीव कर लेना, कुछ भी पार्ट रिफ्लेक्ट ना हो। ऐसा कोशिश करते हैं कि टोटल जो आइडियल ब्लैक बॉडी हो उस आइडियल लेने की कोशिश करते हैं, ताकि पूरा का पूरा जो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब हो पाए। उसके नीचे लगा होता है हमारा क्या, थर्मोकपल मॉड्यूल। ठीक है, क्या थर्मोकपल मॉड्यूल, ये थर्मोकपल मॉड्यूल। अब होता क्या है, ठीक है, अब होता क्या है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर रेडिएशन आया, रेडिएशन आने के बाद जो हमारा ग्लास है उसके अंदर हमारा इंसिडेंट हुआ, उसके अंदर आया तो जो टोटल रेडिएशन आ रहा है वो यहाँ पे क्या हुआ, एब्जॉर्ब कर लिया गया। क्योंकि हमारा रेडिएशन होता है हीट, तो क्या होगा, ये टोटल एब्जॉर्ब हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट जनरेट होगी। जैसे जैसे यहाँ पे हीट जनरेट होगी तो इसके नीचे लगा हुआ है थर्मोकपल मॉड्यूल, जो बीच में जो थर्मोकैप्सूल्स लगे हुए हैं वो इन हीट को मेजर करेगा। मतलब मेजर क्या होगा, इस पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे एक्टिव हो जाएंगे और जो हीट एब्जॉर्ब होगा, जो हीट होगा उसको हम, सॉरी ये थर्मोकपल मॉड्यूल क्या करेंगे, इसको हमारा वोल्टेज में चेंज कर देंगे। क्या वोल्टेज में, जितना हीट मिलेगा उतना हमारा वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा, और वोल्टेज को हम आउटपुट टर्मिनल से जोड़ देंगे, जो एक गैल्वेनोमीटर से हम उसको मेजर कर लेंगे हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है। सेम चीज़ यही होता है, हम इस प्रकार से हम पायरोनोमीटर का यूज करते हैं सोलर रेडिएशन को मेजर करने में। कैसे यूज, और उसके बाद जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है उसको हम क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द, इस यहाँ पे कैलिब्रेट होता है। ठीक है, कैलिब्रेशन जरूरी है, नहीं पता चला हमारा सोलर रेडिएशन का हमारा गैल्वेनोमीटर ज़्यादा बता, रीडिंग ज़्यादा जा रही है। ठीक है, तो वो हम इसे कैलिब्रेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ब्लैक बॉडी हमारा क्या होता है, हीट को रिसीव करता है, हीट को जो हमारा नीचे थर्मोकपल कैप्सूल लगे हैं छोटे छोटे थर्मोकपल मॉड्यूल लगे हुए हैं, वो हीट को वोल्टेज में चेंज करता है, जो गैल्वेनोमीटर से इसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अब अगला आता हमारा पायरो, ठीक है, पायरेलियोमीटर। ठीक है, पायरेलियोमीटर, अब इसमें क्या होता है, ये देखने में तो कुछ ऐसा लगता है, ठीक है, जो रियलिटी में लगता है वो कुछ ऐसा होता है। तो पायरोमीटर, पायरेलियोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड मेजरिंग डायरेक्ट बीम रेडिएशन। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बीम रेडिएशन एट अ नॉर्मल इंसिडेंस इज आउट, इट्स आउटर स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ लॉन्ग ट्यूब प्रोजेक्टिंग द इमेज ऑफ अ टेलीस्कोप एंड वी हैव टू पॉइंट द लेंस टू द सन टू द मेजर रेडियन। एक्चुअली देखिए ये कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे एज अ टेलीस्कोप लग रहा है। अब हम इसको कुछ इसमें इस मैकेनिज्म होता है कि हम इसको एक सेट कर सकते हैं कि हम सिर्फ डायरेक्ट लाइट ही इस पे आए। कैसे, देखिए हमने अगर इसको खोला होता तो बगल से भी डिफ्यूज लाइटें भी आ सकती थी, हमने क्या किया, बंद कर दिया। और इसको ऐसा सेट करते हैं, मान लीजिए जैसे सन सन के डायरेक्शन में डायरेक्ट इसको सेट करते हैं ताकि सिर्फ डायरेक्ट लाइट ही इस पे आए, डायरेक्ट रेडिएशन भी आए उस पे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या क्या पार्ट्स इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सेप्टेबल एंगल मतलब कि डायरेक्ट 90 डिग्री होगा हमेशा। ठीक है, यहाँ प्रोटेक्टिव लेंस लगा हुआ है, यहाँ पे हालो ट्यूब है, यहाँ पे हमारा एक ब्लैक बॉडी है, यहाँ पे वही सेम चीज थर्मोकपल मॉड्यूल है, लेकिन यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल है। देखिए वहाँ पे हमारा क्या था, कुछ भी चीज़ था, यहाँ पे देखिए सिलेंड्रिकल, सॉरी यहाँ पे था कर्व में था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सिलेंड्रिकल है। तो यहाँ पे जितने भी रेडिएशन इंसिडेंट होंगे वो डायरेक्ट इनका लेंस का मेन फोकस है कि इसको हमारा ब्लैक बॉडी पर इम्पैक्ट करवाना, जितने भी लाइटें हों टोटल विदाउट एनी लॉस, बिना किसी लॉस के मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइट जितने भी लेंस पे आ रहे हैं वो हमारे ब्लैक बॉडी पर आए। ठीक है, अब सेम प्रोसेस वही है, जो ब्लैक बॉडी पर आया तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट हुआ, ये एब्जॉर्ब किया लाइट्स को तो इसकी हीट बढ़ी, हीट जो बढ़ा हुआ उसको हम मीजर करें नीचे जो थर्मोकपल मॉड्यूल लग रहा है, जिसको हीट को जो हमारा वोल्टेज में चेंज कर देगा, फिर इसको हम गैल्वेनोमीटर से मीजर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें, ये वैसे ही वर्क करता है हमारा पायरोमीटर। इसको आप इस प्रकार से डायग्राम भी याद कर सकते हैं, देखने में ऐसा याद रखता है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा इसको हम जो डायरेक्ट रेडिएशन मीजर करने से हम डायरेक्ट इसको बीम रेडिएशन मेजर करना है, तो इसका जो प्रोजेक्शन होता है डायरेक्ट क्या होता है, सन की तरफ होता है। ठीक है, अब एक बात आती है सनशाइन रिकॉर्डर, एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आप इसको देखे भी होंगे, फिगर आप देख लेंगे थोड़ा सा याद आएगा। इसको बोलते हैं सनशाइन रिकॉर्डर, ये भी क्या करता है, सनशाइन रिकॉर्डर इज अ डिवाइस दैट रिकॉर्ड्स द अमाउंट ऑफ सनशाइन एट अ गिवन लोकेशन और रीजन एट एनी टाइम। हम इससे क्या करें, किसी टाइम पर किसी भी लोकेशन पर कितना सनशाइन, मतलब सूर्य की कितनी लाइट वहाँ पे आ रही उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज और है, द रिजल्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। यहाँ पे हमको क्या क्या मिल जाता है कि उस जो एरिया है उसका वेदर भी पता चल जाता है, उसका क्लाइमेट भी पता चल जाता है, और साथ में टेम्परेचर भी पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप समझेंगे, दिस इन्फॉर्मेशन इज यूज फॉर मेट्रोलॉजी, साइंस, एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड अदर फील्ड। इट इज हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड अ हीलियोग्राफी, इसको हम हीलियोग्राफी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक स्फेरिकल लेंस लगा होता है। देखिए स्फेरिकल क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है। क्या है, स्फेरिकल लेंस लगा हुआ है, और उसके नीचे एक पेपर की स्ट्रिप लगी हुई है जिसको सपोर्ट करने के लिए, इसको पेपर सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक सपोर्टर लगा हुआ है। ठीक है, और ये पूरा टोटल सपोर्टिंग बेस है। यहाँ तीन कंपोनेंट है, क्या, सपोर्टिंग बेस, फिर जो पेपर सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट लगा हुआ है, इसके पेपर, इसके ऊपर एक क्या होता है, पेपर होता है, क्या होता है, पेपर होता है, और ये हमारा स्फेरिकल क्या होता है, लेंस होता है। अब जो लाइट इंसिडेंट होती है ना, जब लाइट इंसिडेंट होती है इस पर, तो पूरा जो है एक एज ए लेंस पर करता है, आप देखेंगे यहाँ पे लाइट पड़ रही है। ठीक है, कहाँ पे, लाइट पे, यहाँ इसका एंगल पता चल जाता है, कितने अमाउंट पड़ रही है वो पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जल जाता है जो पेपर, वो जल जाता है, कितने अमाउंट जला है, कितना जला है, उससे पता चलता है हमारा यहाँ पे टेम्परेचर कितना था। देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्या हुए हैं, एंगल पता चल जाता है। ठीक, एंगल पता चलता है यहाँ, देखिए ये लाइट है ना, इसको पेपर होता है ना बिल्कुल सेंसिटिव होता है, उसके हिसाब से ये क्या करते हैं, हम सभी चीज़ टेम्परेचर को पता कर लेते हैं, कितना अमाउंट ऑफ लाइट था वहाँ पे वो हम पता कर लेते हैं। ये हमने बात किया किसका, हमने बात किया सोलर रेडिएशन का। ठीक है, तो हमारा सोलर रेडिएशन का टॉपिक खत्म होता है। अब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी का। यह साथियों मैं फिर बात करूँगा, यदि आप अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँचते रहें सही टाइम पर। ठीक है, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सोलर रेडिएशन के बाद हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो सेम चीज़ वही होती है। देखिए सोलर एनर्जी रिफर टू द एनर्जी डिराइव फ्रॉम सोलर सन से रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन से हम क्या करते हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी जो हम एनर्जी उससे ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। इट इज़ अ रिन्यूएबल एंड क्लीन सोर्स एनर्जी दैट कैन बी हार्नेस एंड कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी और यूज डायरेक्टली वेरियस पर्पज। ठीक है, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, और वो अपने से बिल्कुल क्लीन सोर्स है, इसमें कोई हम पॉल्यूशन नहीं करने वाले हैं। ऐसा है कि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और अदर सोर्स में भी कन्वर्ट सकते हैं, जैसे हीट बोलता हूँ ना, हीट में भी आप वाटर को क्या करते हैं, आप गर्म कर लेते हैं, पानी गर्म कर लेते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में हम इसको यूज कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो हम यहाँ इसके लिए सोलर एनर्जी के लिए हम क्या लगाते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं। ठीक है, वो हम बात करेंगे अभी सोलर सेल में, लेकिन एक चीज़ ध्यान दें कि जो हम अर्थ पे जो हम सिर्फ हम 20% हमारे सोलर पैनल होते हैं, वो सिर्फ 20% ही एफिशिएंट होते हैं। मतलब कि जितना हम इलेक्ट्रिकल जो सोलर एनर्जी हमारे पास आती है, टोटल सोलर एनर्जी का हम सिर्फ 20% ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कलेक्ट कर पाते हैं और कन्वर्ट कर पाते हैं, सिर्फ 20%। अब सोचिए अगर यही एफिशिएंसी बढ़ जाए, कहीं साथियों आपको 22-23% मिलेगा, तो ये रेंज वेरी करता रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा, कहीं बुक में आपको 23% भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, इसका एफिशिएंसी भी बढ़ती चली जा रही है। अब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी का यूज क्या है, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। आप जानते होंगे कि आजकल गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी दे रही है सोलर सेल, सोलर पैनल लगाने पे, तो ये हम क्या कर, क्यों, क्योंकि बिल्कुल विदाउट एनी पॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट सकते हैं, जो भी हम पावर होम्स घर के लिए, पावर बिजनेस के लिए, और इवन कम्युनिटीज के लिए, पूरा यहाँ पे हम गांव तक भी इसको सप्लाई करते हैं सोलर एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को। हीटिंग वाटर, आप जानते हैं सोलर में हमारे क्या थर्मल उसके पास थर्मल पावर है, वो क्या करता है, वो वाटर को हीट कर लेता है, जैसे हमको डोमेस्टिक कमर्शियल यूज के लिए है। और हम क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल वाटर हीटर्स होते हैं उनका हमारा जो यूज है उसको कम कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम इसी से हम वाटर को हीट कर ले रहे हैं। एग्रीकल्चर के लिए भी आप जानते हैं कि हम इससे क्या करते हैं, फसल को सुखा लेते हैं, वाटर पंपिंग के लिए यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे जो वाटर पंपिंग करेंगे जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर के लिए हमारी सिंचाई हो जाएगी। सोलर लाइटिंग, आप जानते होंगे कई जगह सोलर लाइटिंग, एक्चुअली ना मेन चीज़ यही है कि हम जब अर्थ इसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। सोलर लाइटिंग क्या होती है, देखते हैं आप रोड पर क्या होता है, वहाँ पे एक बैटरी रख देते हैं, सोलर लाइटिंग लगा देते हैं, दिन वो चार्ज हो जाता है, रात वहाँ पर सोलर लाइट मिल जाती है। तो वही चीज़ है, सोलर पावर लाइट्स आर यूज फॉर द आउटडोर लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग एंड इन रिमोट एरियाज वेयर ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल। जहाँ पर हमारे साथ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ पर हमारा पावर हाउस से लाइट सप्लाई नहीं अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, सोलर लाइट तो हर जगह अवेलेबल है, तो हम वहाँ पर सोलर लाइटिंग का यूज कर लेते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन में आजकल यूज हो रहा है, जैसे हम आपके बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ठीक है, चार्जिंग स्टेशन हो गए, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स। जो चार्जिंग स्टेशन हैं वहाँ पे कोई जाना नहीं है ज़्यादा, हमको हम लोग बस देख रेख करनी है, हम कहाँ हैं, रिमोट एरियाज में है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे सोलर रेडिएशन का लगा देते हैं, सोलर प्लेट्स लगा देते हैं, वो बैटरी को चार्ज करती रहती हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ ऐसे होती है कि खुद ही चलती रहती है, 2 मिनट आप चला रहे हैं वो चार्ज हो रही है, आप चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज होती है सोलर एनर्जी की। इसे कुछ मेरिट्स हैं, जैसे रिन्यूएबल है, ठीक है, ये पर्याप्त मात्रा में है, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हम लॉन्ग टर्म सप्लाई के लिए इसका यूज कर लेते हैं। ये हमारा क्लीन और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसे कोई पॉल्यूशन नहीं होने वाला है, न कोई कार्बन फुटप्रिंट यहाँ पर छोड़ता है, ठीक है, ये कार्बन फुटप्रिंट को यहाँ पर रिड्यूस कर लेगा और एयर क्वालिटी भी बढ़ाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव है, अगर हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं तो इसके बाद कोई ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं लगता, और इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है या फिर ऑपरेशनल कॉस्ट बिल्कुल बहुत ही कम है। आप जानते होंगे जब आप सोलर पैनल लेते जाते हैं तो उसके लिए 25 ईयर्स की वो क्या कर लेते, खुद ही गारंटी लेते हैं कि चलतेगा। तो मतलब जब 25 ईयर्स की यहाँ पे आप गारंटी मिली तो आप समझ सकते हैं कि कौन चीज़ है कि और 25 ईयर से ज़्यादा आपको गारंटी देता है, नहीं मतलब कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, ठीक है। एनर्जी इंडिपेंडेंस है, सोलर एनर्जी कैन बी प्रोवाइड एनर्जी इंडिपेंडेंस, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। हम किसी लिए कोई पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट के लिए यूज नहीं करनी है, हम इससे एनर्जी अदर एनर्जी के सोर्सेस हैं उससे हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। स्केलेबिलिटी, हम इसको अलग अलग स्केल पे यूज कर सकते हैं, जैसे हमको सिर्फ एक छोटे से अमाउंट की सोलर एनर्जी की जरूरत है तो हम छोटा सा यूज कर लेंगे, बड़े रेजिडेंशियल के लिए घर के लिए यूज करना है तो देख सकते हैं आप एक मोबाइल चार्जर भी आ जाता है सोलर सेल से, जो सोलर से चार्ज हो जाता है, मोबाइल चार्जर बन जाता है, लाइट बन जाती है, या तो घर भी में भी रेजिडेंशियल में भी सोलर यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे अलग अलग जो बिजनेस हैं, फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट कोची एयरपोर्ट है, वो पूरा सोलर एनर्जी पे ही बेस्ड है, तो इसका स्केलेबल भी है, आप अलग अलग स्केल पर भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके डिमेरिट्स की बात करते हैं, थोड़ा सा चीज़ क्या क्या इसके हानियाँ हैं वो हम समझ सकते हैं। यहाँ पर इंटरमिटेंट अवेलेबिलिटी, मतलब कि लगातार ये अवेलेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ड्यू टू द सनलाइट ये डिपेंड करता है सूर्य पर, तो हम जानते हैं कि सूर्य हमारा रात में अवेलेबल नहीं पाता, या फिर जो क्लाउडी वेदर होते हैं उस समय हमारा जो सूर्य है वहाँ पे सनलाइट रेडिएशन जो है वो कम होती हैं, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा हमको पावर बैकअप लेना पड़ता है। इनिशियल कॉस्ट इज हाई, ठीक है, क्योंकि इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल सोलर सिस्टम इज हाई थोड़ा सा, ठीक है, हालांकि अब धीरे धीरे ये कम हो रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हाई है अदर सोर्सेज के मुकाबले। लैंड एंड स्पेस रिक्वायरमेंट, ठीक है, अगर हमको ज़्यादा अमाउंट में हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो हमको ज़्यादा सा लैंड जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा स्पेस लगाना पड़ेगा, जिसके कारण यहाँ पे इसको स्पेस की जरूरत पड़ती है। हालांकि अधिकतर तो हम अभी सेल पर रूफ पर यूज करते हैं, लेकिन अगर हमको बड़े स्केल में है तो उतना हमको रूफ नहीं मिल पाती, इसलिए हम अधिकतर क्या करते हैं, अगर डेंस एरियाज हैं तो हमको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमको लैंड की स्पेस की आवश्यकता होगी। जियोग्राफिकल लिमिटेशन, क्योंकि मैंने बताया कि जो लाइट्स हैं, जो सोलर एनर्जी वो हर जगह वेरी करती है, ठीक है, लोकेशन के हिसाब से, तो जो हमारे जो इक्वेटर हैं उन पे जो कि जो इक्वेटर के नज़दीक है वहाँ पे हमको सनलाइट ज़्यादा मिल जाती है, इसलिए वहाँ पे तो इफेक्टिव है, लेकिन जो इक्वेटर से दूर एरियाज हैं वहाँ पे हम यहाँ पे इसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सोलर एनर्जी की जो एनर्जी है वो बहुत कम मात्रा में हमको मिलती है। ये हमने बात किया सोलर एनर्जी के साथ ही, हमने बात किया सोलर रेडिएशन की, सोलर एनर्जी की, अब हम बात करने वाले हैं सोलर सेल्स की, ठीक है साथियों, बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम सोलर एनर्जी भी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। सोलर सेल वही है जिसको हम सोलर पैनल के बारे में जानते हैं, सोलर सेल जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सोलर सेल क्या है, इसको हम बोलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल बोलते हैं, या फिर पीवी सेल आपको एग्जाम में लिखा सकता है, पीवी सेल क्या होता है तो आप नहीं जानेंगे, इसको हम फोटोवोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। ऐसा है कि ये डिफाइंड है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हमारे लाइट्स एनर्जी, जो लाइट है, जो हमारी रेज है, जो सन एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, किसके द्वारा, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के द्वारा। तो अब यहाँ फोटोवोल्टाइक इफेक्ट एक टर्म आया तो उसको हम बात लेते हैं, द इफेक्ट ड्यू टू द विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इफेक्ट है जिसके द्वारा हम लाइट एनर्जी को हम कैसे बदल रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इन अ सर्टेन सेमी कंडक्टर मटेरियल, किसका यूज करते हैं, सेमी कंडक्टर मटेरियल का यूज करते हैं, और हम लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, ठीक है। एक्चुअली ये क्या होता है, वो पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, जो हमने पढ़ चुका है पिछले वीडियो में। अब क्या होता है, सोलर सेल आर अ फॉर्म ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, डिफाइंड एज ए डिवाइस हुज इलेक्ट्रिकल करेक्टर, जिसमें हमारे पास करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस हो जाती हैं, जब हम लाइट इसमें इसको एक्सपोज करते हैं सोलर सेल को, तो वहाँ पर इसमें हमको इलेक्ट्रिकल करेक्टर जैसे करंट, वोल्टेज या फिर रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल जाता है। हमने बात किया पीएन जंक्शन को, तो जब पीएन जंक्शन की बात करते हैं सोलर सेल की बात करते हैं, पीएन जंक्शन की ही बात करते हैं। देखिए जब हमने वहाँ पे सोलर पीएन जंक्शन बताया था तो आपको मैंने वैक्सिंग बताई थी, ठीक है, ऐसे कुछ मैंने बताया था, ठीक है, डिप्लीशन रीजन बताया था, यहाँ पे पी बताया था, यहाँ पे एन बताया था, ठीक है, यहाँ डिप्लीशन रीजन बताया था, पी हमारा क्या होता था, पॉजिटिव होता था, होल्स यहाँ पे होते थे, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते थे, ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या होते इलेक्ट्रॉन्स होते थे, ठीक, एज अ चार्ज कैरियर, ये हमारे चार्ज कैरियर क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन्स, और पी टाइप में हमारे क्या होते थे, चार्ज कैरियर हमारे होते थे होल्स, ठीक है।
हमने क्या किया, इसी को थोड़ा सा पलट दिया, इसका ओरिएंटेशन हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। हमने क्या किया, एन को ऊपर कर दिया, पी को नीचे कर दिया, ठीक है। और पी एन को ऊपर क्यों किया वो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया, एन को ऊपर कर दिया एन टाइप सिलिकॉन को, पी टाइप सिलिकॉन को नीचे कर दिया। ऊपर हमने एक एंटी रिफ्लेक्टेड कोटिंग कर दिया। एंटी रिफ्लेक्टेड कोटिंग इसलिए किया जितनी भी लाइट एनर्जी आ रही हो वापस रिफ्लेक्ट ना हो, ठीक है, पूरे के पूरे एब्जॉर्ब हो जाए। जितना हमारा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे उतना हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी सोलर सेल की, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए एन टाइप था, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा क्या आया, लाइट आई, एनर्जी आई, तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट हमको, अब ये क्या हुआ, यहाँ से हीट मिलने लगी जो हमारे एन टाइप सिलिकॉन से, जब हीट आया तो उनके इलेक्ट्रॉन क्या हुए, एक्साइटेड हुए, क्या हुए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो थे वो एक्साइटेड हुए, जो हमारे ब्लैक वाले हैं वो हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए तो क्या हुआ, ये हमको जाना चाहेंगे, क्या चाहेंगे, जाना चाहेंगे, यहाँ पे क्या है, डिप्लीशन रीजन है, ठीक है, क्या है, डिप्लीशन रीजन है, तो इधर आ नहीं पाएंगे। तब क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे निकल प्लेटिंग कर सकते हैं, कर देते हैं, ताकि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके इकट्ठे होते रहें, सब जाके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो करके फिर हमने क्या किया, ये आने इसको हमने यहाँ पे लोड दे दिया, ठीक है, क्या कर दिया, लोड दे दिया। लोड देने के बाद क्या हुआ, ये हमारी सप्लाई पूरी हो गई, तो हमारा इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे फ्लो होने लगा, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा तो हम यहाँ पे क्या हुआ, हमारा करंट क्या हो गया, जनरेट हो गया। बस सिंपल सा मैकेनिज्म यही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। हमने क्या किया, पी एन जंक्शन को कुछ इस प्रकार से हमने कर दिया, लाइट आई, लाइट को हीट में चेंज हुआ, हीट बढ़ा, हीट का हमारे जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइटेड हो गए, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के, ठीक है, वो क्या होने लगे, मूव करने लगे। इसको हमने निकल प्लेट पे जो कोटिंग निकल प्लेट था वहाँ पे हमने क्या किया, कलेक्ट करके हमने यहाँ पे एक लोड दे दिया। लोड दे सकते हैं या फिर आप इसको बड़े लेवल पे आ इसको पूरा पावर ग्रिड बना सकते हैं, पूरा ग्रिड सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये सोलर सेल वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि छोटा सा ज्यादा मैकेनिज्म है भी नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये एक फोटोवोल्टाइक सेल, ये होता है पीवी सेल, अब इसको सोलर पैनल कभी भी देखे होंगे तो ये आप यही देखे होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्या किए, कई सारे सोलर सेल या फिर फोटोवोल्टाइक सेल को मिला करके हम क्या बनाते हैं, एक मॉड्यूल बनाते हैं, क्या, कई प्रकार के मॉड्यूल्स, ठीक है, कई प्रकार के फोटोवोल्टाइक सेल मिलकर हम क्या बनाते हैं, एक मॉड्यूल बनता है। और कई सारे मॉड्यूल को जब एक साथ में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा बनता है पैनल, ठीक है। तब देखेंगे, कहते हैं हमने सोलर पैनल लगवाए घर पे, तो यही होता है, मतलब वो एक कई मॉड्यूल ला करके एक साथ कनेक्ट करके तो हमारा हो जाता है सोलर पैनल। अब सोलर पैनल जब कई सारे कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स में, उसको हम बोलते हैं सोलर एरे, ठीक है। ये फोर चीज़ें थी जो आप समझ पाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में आए तो आराम से लिख पाएँ, अगर नहीं भी आए तो आप कंटेंट इनफ रहें कि आप इसको बढ़ा के लिख पाएँ, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, मटेरियल यूज्ड इन सोलर सेल क्या क्या होते हैं। वही मटेरियल यूज होते हैं जिनका बैंड गैप अधिकतर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब में होता है, जैसे हमारा हो गया सिलिकॉन, यहाँ पे हो गया गैलियम आर्सेनाइड और यहाँ पे हो गया कैडमियम टेलोराइड, ठीक है। ये तीन हमने यहाँ पे बात किया, ये अधिकतर यूज होते हैं सोलर सेल में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया क्या है सोलर सेल जो मटेरियल यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया उनका बैंड गैप, यहाँ बताया ना 1.5, वही है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, ठीक है, जो हम सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं, फिर जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो हाई ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन, इसलिए जितना हम ऑप्टिकल जो हमारी लाइट है जितना ऑब्जर्व कर पाएंगे उतनी इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, इसका ऑब्जॉर्प्शन रेट भी ज़्यादा होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा हम वोल्टेज यहाँ पे गेन कर पाएंगे, तो उसकी हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होनी चाहिए। द रॉ मटेरियल मस्ट बी अवेलेबल इन द एविडेंस एंड द कास्ट मटेरियल मस्ट बी लो, ठीक है। पता चला मटेरियल तो हमको अवेलेबल है लेकिन उसकी कास्ट हाई है, तुम्हारा सोलर सेल की जो कास्ट है वो हाई हो जाएगी, जिस कारण ओवरऑल जो सोलर सिस्टम है, जो सोलर हम पैनल बना रहे हैं, सोलर एनर्जी बना रहे हैं, उसकी जो हमारी कास्ट है वो हाई हो जाएगी। इसलिए हमारा जो मटेरियल है, मटेरियल वो भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और साथ में जो क्या है कास्ट है वो भी हमारा लो होना चाहिए, ठीक है। एडवांटेज ऑफ सोलर सेल, नो पॉल्यूशन एसोसिएटेड विथ इट, ठीक है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हमारे साथ कोई इसका पॉल्यूशन नहीं है, ठीक, सोलर सेल का, इसलिए हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। नहीं, लॉन्ग टाइम इसका जो लाइफ टाइम है वो भी ज़्यादा है, यहाँ पे कोई हमको मेंटेनेंस कास्ट नहीं देनी है, ये सारे हमारे क्या हैं एडवांटेजेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे बस इंस्टॉलेशन में हमको क्या होता है कि हाई कास्ट यहाँ पे करना पड़ता है, कभी कभी भी जो हमारा टेक्नोलॉजी उतनी इंप्रूव नहीं पाई है, तो इसके लिए इसका एफिशिएंसी भी हमारा क्या है कमज़ोर है। और जब हमारा दिन में हमारा जो क्लाउड होता है उस टाइम हम क्या करते हैं कि एनर्जी ज़्यादा मात्रा में ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। और अधिकतर रात में भी हम सोलर एनर्जी से हम क्या करते हैं सोलर सेल से एनर्जी नहीं ले पाते, तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेज थे जिसको हमको ध्यान रखना है हमेशा, उसको हम लिख पाएंगे।
यूज ऑफ सोलर जनरेशन सिस्टम क्या है? देखिए यहाँ पे इट में भी यूज टू चार्ज बैटरीज, बिल्कुल एकदम हम यूज करते हैं बैटरी को चार्ज करते हैं, क्योंकि हम जब जानते हैं स्ट्रीट लाइट लगाते हैं सोलर लाइट्स स्ट्रीट में, तो क्या करते हैं वहाँ पे बैटरी रख देते हैं, दिन में चार्ज होता है, रात को ऑटोमेटिक को क्या होता है, जैसे सोलर हमारा जो सनसेट होता है उसके बाद हम क्या करते हैं वो हमारा लाइट जलने लगता है। यूज इन लाइट मीटर्स, लाइट्स के मीटर्स में यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमको रीडिंग, देखिए लाइट मीटर्स क्या होते हैं, वहाँ पर हमको हमेशा क्या चाहिए, रीडिंग चाहिए, ठीक है, वहाँ हम इसको यूज कर लेते हैं। इट यूज द पावर कैलकुलेटर एंड रिस्ट वॉचेज, हम कलाई घड़ी में भी इसको यूज करते हैं, आप कैलकुलेटर पावर कैलकुलेटर में यूज कर लेते हैं, कभी देखते हैं ना कभी कभी कैलकुलेटर आ लेते हैं उसमें एक छोटा सा डिस्प्ले लगा होता है, बैटरी लो हो जाते हैं उसको जाकर धूप में रख देते हैं, ठीक है। कैन बी यूज इन स्पेस क्राफ्ट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिल्कुल स्पेस क्राफ्ट में, यहाँ तक हम जब कुछ भेजते हैं सेटेलाइट भेजते हैं तो वहाँ पर हम सोलर पैनल लगा देते हैं ताकि उसकी एनर्जी वहीं से मिलती रहे, ठीक है। वहाँ पर उसको हम क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर एटमोसफियर है नहीं, वो अर्थ के ऊपर यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, एटमोसफियर के बाहर। ये हमारा हो गया सोलर जनरेशन सिस्टम। अब यहाँ पे कुछ जनरेशन है, सोलर जनरेशन है, उसको हम देख लेते हैं, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक साथियों। फिर मैं बात करूँ, यदि आपकी वीडियो पसंद आ रहा है चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है, और साथ में कमेंट करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा साथियों। आपका सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना, आपको व्यू देना, ये हमारा मोटिवेशन होता है, ये हमको मोटिव करता है अधिक से अधिक वीडियो अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल्स आर बेटर क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल है वो सिलिकॉन पर ही बेट होता है, क्रिस्टल उसमें क्या यूज किया, सिलिकॉन यूज किया गया। और ये क्या हुआ था, कमर्शियल दी सोलर सेल आर मेड फ्रॉम द सिंगल क्रिस्टल मोनो क्रिस्टलाइन और मल्टीपल क्रिस्टलाइन, जिसको बोलते हैं पॉली क्रिस्टलाइन ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। किसको बनाया गया, या तो मोनो क्रिस्टल का था, एक सिंगल क्रिस्टल होगा तो उसको मोनो क्रिस्टल बोलेंगे, जब मल्टीपल क्रिस्टल ऐड करते हैं तो हमारा सिलिकॉन का उसको बोलते हैं पॉली क्रिस्टलाइन पैनल। दे हैव एफिशिएंसी एंड आर वाइडली यूज इन द सोलर इंडस्ट्री, बहुत जब पहले आया पहला यही आया जो काफ़ी टाइम तक अभी यूज हो रहा है सोलर इंडस्ट्री में, ठीक है। और ये क्या हुआ, सोलर सिस्टम डोमिनेट इन द मार्केट, अभी भी वो बना हुआ है, और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इसको पता है कि ये लॉन्ग टर्म तक चलना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए इसका जो लाइफ टाइम होता है वो बाकी काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर हमारा आया सेकेंड जनरेशन सोलर सेल, इसमें क्या किया गया कि डाइवर्स ग्रुप ऑफ सोलर सेल टेक्नोलॉजी दैट इमर्ज एज अल्टरनेटिव टू फर्स्ट जनरेशन सिलिकॉन बेस्ड, जो हमारा था, जो हमारा पहला आया फर्स्ट जनरेशन सिलिकॉन बेस्ड था, उसमें हमने क्या किया कि उसको डाइवर्सिफाई कर दिया सोलर सेल टेक्नोलॉजी के रूप में। अब इसमें क्या हुआ कि दीज सेल्स आर टिपिकली मेड फ्रॉम द थिन फिल्म मटेरियल, हमको जो साइज हुआ थोड़ा सा कम हो गया, इसकी फिल्म मटेरियल कम हो गई, डिपॉजिट ऑन वेरियस सब्सट्रेट सच एज, हमने क्या किया जिसको हम अलग अलग, जैसे ग्लास हो गया, मेटल हो गया, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक हो गया, वहाँ हमने इसको क्या कर दिया, उस पर हमने सब्सट्रेट कर दिया, उसके द्वारा हम यूज करने लगे। जैसे हमारा कुछ सोलर सेल के एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारा हो गया एमार्फस सिलिकॉन, कैडमियम टेलुराइड, कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड, जिसको हम CIGS बोल रहे हैं, क्या कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड, ठीक है, ये कुछ हैं सेकंड जनरेशन सोलर सेल के एग्जाम्पल। ये क्या करते हैं, दीज थिन फिल्म सोलर सेल आर जनरली लेस एफिशिएंट देन फर्स्ट जनरेशन से, थोड़ा सा कम लेस एफिशिएंट थे, लेकिन अब क्या हुआ, ये इनका क्या होता, थोड़ा कास्ट कम हो गया, ठीक है, कास्ट कम हो गया एंड पोटेंशियल फॉर फ्लेक्सिबल एंड लाइट वेट एप्लीकेशन, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल थे और लाइट वेट थे, इसका इनका यूज थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन अभी भी इनका जो एफिशिएंसी थी वो क्या थी, फर्स्ट जनरेशन से कम थी। फिर आया हमारा थर्ड जनरेशन सोलर सेल, ठीक है, जो अभी भी चल रहा है, ठीक है, और जिन्होंने सोलर सेल की जो हमारी क्या थी डिसएडवांटेज थी उसको उन्होंने ओवरकम किया, उसको हटाते हुए हमने क्या लाया, थर्ड जनरेशन सोलर सेल। इसमें क्या हुआ, अभी ये भी अंडर डेवलपमेंट में है, इसको कमर्शियलाइज नहीं किया गया है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे कुछ जैसे हमारे हैं डाई सेंसिटाइड सोलर सेल, जिसको मतलब DSSC, ठीक है, इसमें हमने क्या बात किया, अर्गनाइक ऑर्गेनिक सोलर सेल हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया, जैसे क्या बोल बता रहा था मैं, डाई सेंसिटाइड सोलर सेल। फिर यहाँ पे आया पेरोसाइट सोलर सेल एंड क्वांटम डॉट सोलर सेल, ये तीन साथ में ध्यान दीजिएगा, क्या डाई सेंसिटाइड सोलर सेल, पेरोसाइट सोलर सेल, क्वांटम डॉट सोलर सेल, ठीक है। अब एक दी टेक्नोलॉजी ऑफन यूज नोवेल मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चर टू अचीव हायर एफिशिएंसी, जानते साथियों एक चीज़ देखेंगे, अब सोलर सेल जो तो घरों में खिड़कियाँ बन रही हैं, खिड़कियाँ, वो भी क्या किया जाता है, उनको हम क्या करते हैं सोलर लगा देते हैं, वहाँ पे फिल्म लगा देते हैं, तो वो हमारे क्या थर्ड जनरेशन वाले हैं, वो इसलिए यूज किया जाता है ताकि हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी है, हमको स्पेस जरूरत पड़ती है, हमने खिड़की भी लगा दिया, खिड़की में सर लाइट में होती है, तो हम वहाँ से भी इलेक्ट्रॉनिक पैनल यूज कर सकते हैं, ठीक है। लोअर मैनुफैक्चरिंग कार्ड कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, और जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था, सेकंड जनरेशन था, उससे हमारा इसका कास्ट थोड़ा सा कम हो गया। तो साथियों इस प्रकार से हमने बात किया डिफरेंट जनरेशन ऑफ सोलर सेल। तो हमने आज टॉपिक किया
डिस्कस किया साथियों, क्या सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन, सोलर सेल, ठीक है, तीन टॉपिक हमने डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन था जो थोड़ा मोटा था, फिर हमने थोड़ा सा फिल्म में पतला हुआ, सेकंड जनरेशन में अब यहाँ पे एक थिन फिल्म आ गया जिसको मैंने बोला इसको हम विंडोज में भी लगा सकते हैं, ये थर्ड जनरेशन में आता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, चलो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। हम भी कोशिश करेंगे अगला वीडियो जल्द से जल्द लाने के लिए साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।